हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड थोड़े टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बट नाउ आई एम ओके, आई एम गुड। अब मुझे धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है। सो आज का व्लॉग, मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 20-25 मिनट्स का शूट कर सकती हूँ या फिर मैं इधर उधर जाके शूट कर सकती हूँ। सो आई थॉट कि मैं Q&A व्लॉग शूट करती हूँ। आप लोगों को अभी मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। आप लास्ट व्लॉग्स में मेरी फैमिली को आपने देखा है एंड आपने कुछ कुछ मेरे करियर से रिलेटेड भी देखा है, बट आपको पूरी तरीके से अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे नाम से। सो मेरा नाम तनीषा शर्मा है। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मैं नोएडा में रहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज फैमिली। सो आई लिव इन जॉइंट फैमिली एंड मतलब बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मम्मी पापा, चूचू, मैं, चाचा, चाची, अमोक, चुग्गा, हम सब हैं। जॉइंट फैमिली है मेरी पूरी। पहले हम लोग सब साथ में रहते थे, अभी लास्ट ईयर ही हम लोग इस वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। पहले हम लोग वहीं पे रहते थे जहाँ पे अभी चाचा चाची रहते हैं। हम ऐसे रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर पे हम रहते थे, नीचे वाले पे चाची चाचा रहते थे। बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर न्यूक्लियर और समथिंग, नो। अभी हम लोग यहाँ पे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मैं, मम्मी पापा, चूचू रहते हैं, चाचा चाची, अमोक, चुग्गा वहाँ पे रहते हैं। बट हमारे जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वो सब साथ में ही सेलिब्रेट होते हैं। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब अलग अलग वाला सीन है, नो। वी आर अ जॉइंट फैमिली। ओके, नेक्स्ट इज माई स्टडीज। सो आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। नाउ बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि यार मतलब मैंने सुना है अपने बारे में बहुत से लोगों से कि 12th तो ही नहीं तो फिर कॉलेज। तो ऐसा होता है कि देखो, अगर आपको बीटेक करनी है तो आपकी 12th मैंडेटरी होती है, बट अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आप 10th या 12th किसी के भी बेसिस पे कर सकते हो। अगर आप 12th के बेसिस पे करते हो तो वो 2 years का होता है, एंड अगर आप 10th के बेसिस पे करते हो तो वो आप 3 years का होता है। तो मुझे ना यही मतलब कंफर्टेबल लगा। देखो, अगर मैं बीटेक करती डायरेक्ट आफ्टर 12th तो 11th, 12th एंड बीटेक के 1, 2, 3, 4 years, तो ये मेरा 6 साल का होता। एंड अब अगर मैंने डिप्लोमा परस्यू किया है तो मेरा 3 साल का डिप्लोमा एंड मेरी 3 साल की बीटेक, ये भी 6 years का हुआ। तो दोनों मेरे लिए सेम ही रहा है ना, तो मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं। एंड इसमें मेरे को एक बेनिफिट और लगा कि जो आपकी बीटेक वाली पढ़ाई होती है वो आपकी थ्योरेटिकल थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड आपकी जो डिप्लोमा वाली पढ़ाई होती है वो आपकी प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी एंड थ्योरेटिकल भी हो जाएगी, एंड जिस सब्जेक्ट में मुझे अपनी डिग्री करनी है उस सब्जेक्ट में मैं पहले से ही स्ट्रांग हो जाऊंगी। तो चीज़ वही है। एंड डिप्लोमा में भी आपको 11th मतलब जो फर्स्ट ईयर होती है ना डिप्लोमा की, उसमें आपको पढ़ाते ही 11th, 12th का। अभी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ पढ़ रही हूँ, मैकेनिक्स वगैरह, लिटरली एवरीथिंग। मैं जिन चीज़ों से भाग रही थी ना 11th में, मैं कभी PCM लेने का सोच भी नहीं सकती हूँ, बट अब मैं वही सब पढ़ रही हूँ। तो ऐसा होता है, जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो डिग्री कोर्सेज से जस्ट बीनीथ होते हैं। एंड आफ्टर डिप्लोमा अगर आप चाहते हो तो आप जॉब भी कर सकते हो, आपको बीटेक की नीड भी नहीं है। बट हाँ, एक बीटेक होल्डर होता है तो उसकी रेपुटेशन, सैलरी थोड़ी अच्छी होती है, पोस्ट जो होती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है, ठीक है। तो मैं डिप्लोमा कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, एंड उसके बाद मैं बीटेक भी करूँगी, ठीक है। तो ऐसा है। देन नेक्स्ट अबाउट माई करियर। ओके, तो कुछ लोगों से मेरे को ये भी सुनने के लिए मिला है कि जब आप मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो सो वाई यू परस्यूड दैट मेकअप आर्टिस्ट्री कोर्स, ठीक है। तो मेकअप आर्टिस्ट्री कोर्स वो मैंने अपना करियर चूज नहीं किया था। इट इज़ समथिंग कि मेरे को और मम्मी को इंटरेस्ट है मतलब मेकअप्स एंड ऑल में, तो जस्ट मतलब वो ऐसे होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें होती है मज़े के लिए कर लो। लाइफ में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती कभी भी। मैं व्लॉग कर रही हूँ, मैं कहीं किसी चीज़ की नॉलेज गेन कर रही हूँ, तो नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती, वो आपको कभी ना कभी काम आ ही जाती है। तो बस इसलिए मैंने वो कोर्स कर लिया था। एंड वो मैंने मतलब अभी मेरा चल रहा है, वो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मेरा हेयर स्टाइल्स वाली क्लासेस कुछ कुछ बची हैं, मैं नहीं अटेंड कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसलिए।
नेक्स्ट आता है आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैं एमिटी में एडमिशन लेने वाली थी, बट एमिटी में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं है डिप्लोमा में, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार गलगोटिया वगैरह ट्राई करती हूँ। सो वन ऑफ माई क्लोजेस्ट रिलेटिव सजेस्टेड मी दैट डोंट टेक एडमिशन इन गलगोटिया, डोंट टेक एडमिशन इन गलगोटिया। सो अब यार होता है ना कि ठीक है वो कुछ बता रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए बता रहे होंगे, तो ठीक है मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया। उसी के जस्ट पास में एक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, परस्यूड दिस कोर्स इन नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका लव लाइफ। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो थोड़ी सी प्राइवेट और थोड़ी सी पर्सनल होती हैं, जो कि टाइम आने पर ही डिस्क्लोज करना अच्छा लगता है। सो इन दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू मेंटेन सम काइंड ऑफ प्राइवेसी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद बाय गुरुजी'स ग्रेस फॉर श्योर वी विल रिवील इट, बट अभी के लिए आई वॉन्ट टू मेंटेन सम काइंड ऑफ प्राइवेसी इन माई लव लाइफ, ठीक है जी। उसके बाद आपको और क्या जानना था मेरे बारे में, मतलब मुझे तो कुछ चूजी क्वेश्चंस ये ही लगे कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। मैंने सुना है बहुत से लोगों से कि हाँ ये ऐसे वैसे, तो ये वाले क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे ही थे कि इनको मैं कवर अप करूँगी अपने व्लॉग में। उसके बाद हाँ एक ये भी था, मुझे क्या लगता है तुम्हारी मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं या पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं या मुझे पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लिटरली मेरे मम्मी पापा ये बोलते हैं कि आपको जो करना है, जो आपके लिए अच्छा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो करो। मतलब मुझे भी वही बोलते हैं, चोचू को भी वो यही बोलते हैं, बट वो तुम्हारे लिए ठीक होना चाहिए। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया को लगता है कि यार मतलब ये गलत चीज़ में भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, बट मम्मी पापा को पता होता है कि सम पॉइंट ऑफ टाइम ये मेरे बच्चे के लिए ठीक है, तो इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। अब बाकी सबको तो अभी ये लगेगा कि नहीं गलत चीज़ों में साथ दे रहे हैं, बट एक टाइम आने पे ना वो ही सब बोलेंगे कि ओ अच्छा ऐसा। तो मम्मी पापा को वो चीज़ें पहले से ही पता होती हैं। तो मुझे मेरे मम्मी और पापा इक्वली ही दोनों सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी ज़्यादा करती हैं या पापा ज़्यादा करते हैं, नहीं, मुझे दोनों से इक्वल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट, ये तो थोड़ा बचकाने सा क्वेश्चन हो गया कि आप अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो या पापा से ज़्यादा प्यार करते हो। तो पहले ऐसा होता था जब मैं मैच्योर नहीं थी ज़्यादा, मैं ऐसे बोलती थी सबसे कि मुझे बस मेरे पापा अच्छे लगते हैं, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ अपने पापा से प्यार करती हूँ, है ना। और है भी यार, मतलब मैं अपने पापा से, मतलब लड़कियों को होता है ना पापा से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, लेकिन अब जैसे जैसे मैं मैच्योर हुई हूँ तो अब मेरे को ऐसा होता है, हाँ तो अब मैं ऐसे जैसे थोड़ी थोड़ी मैच्योर हुई हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा होता है कि मुझे दोनों चाहिए, मतलब मैं दोनों के बिना नहीं रह सकती। एंड हाँ मतलब अब सच्ची में, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, बट मैं दोनों को ही इक्वल प्यार करती हूँ एंड मैं दोनों के बिना नहीं रह सकती हूँ, एंड दोनों मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। सो ये है। एंड मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में ना जिस मतलब चावल मुझे बहुत पसंद है, लाइक राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, छोले चावल, मुझे सब बहुत पसंद है। एंड बाहर से मैं सिर्फ मतलब जैसे फास्ट फूड होता है तो मैं सिर्फ लाइक इन अरे यार सॉरी मैं चाइनीज़ में सिर्फ चिली पटाटो एंड नूडल्स खाती हूँ। साउथ इंडियन में मैं सिर्फ डोसा खाती हूँ। एंड मेरे को ना ये सब पसंद नहीं है, मतलब मेरे को इटालियन कुछ भी पसंद नहीं है, लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता और मतलब ये लाइक चीज़ एंड मेयोनीज वाला जो स्टफ़ होता है ना मैं नहीं खा सकती, बर्गर एंड ऑल आई डोंट लाइक, ठीक है। मतलब मैंने देखा ना मेरा भाई पागल है पिज़्ज़ा विज़्ज़ा के लिए, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड हाँ पाव भाजी वो मेरी जान है, मतलब वो मुझे बहुत पसंद है, कभी भी मुझे क्रेविंग हो जाती है। अभी ना जैसे मेरे को थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग वाला दिक्कत चल रही थी एंड मुझे यहाँ पे मतलब चेस्ट एरिया में पेन हुआ था, तो मेरा अभी मम्मी ने ना बंद कर रखा है खाना वाना मतलब ऐसे बाहर का। पर जब हुई ना क्रेविंग एकदम से मेरे को, मतलब मेरे को पाव भाजी खानी है, पापा से बोला, मम्मी ने बोल दिया अगर तुम ले आए ना तो फिर देख लेना ये वो, मतलब पापा नहीं लेकर आए
मैंने मतलब सबको बोला, एक एक बंदे को बोला मेरे को पाव भाजी खिला दो, मेरे लिए पाव भाजी ऑर्डर कर दो। मैंने एक्चुअली अभी ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं कर रही हूँ एज आई एम 17, तो मेरा अकाउंट नहीं है एंड वैसे मतलब मम्मी पापा का मुझे यूज नहीं करना, तो एक जिद है कि मतलब अपना ही चलाऊंगी जब चलाऊंगी। तो एज, हाँ एज नहीं पूछी आप, मतलब था क्वेश्चन, मैंने मेंशन नहीं करी। सो माय एज इज 17, जस्ट लास्ट मंथ इन अक्टूबर, 21st अक्टूबर आई हैव टर्न्ड इनटू 18, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर ही अब तो ये सब कुछ हो पाएगा, लाइक गूगल पे एंड अकाउंट ये वो। मैं अपना अकाउंट HDFC में खुलवाऊंगी गाइस, उसके ना बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं पता है, डिस्काउंट वगैरह बहुत है ना, तो बहुत अच्छा होता है वो, इसलिए मैं उसी में खुलवाऊंगी। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो पाव भाजी किसी ने भी नहीं मंगाई एंड मेरे फ़ोन से ना जोमैटो या स्विगी COD एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एंड अपना फ़ोन मुझे कोई दे नहीं रहा था। तो पता है मैं दुकान वाले भैया से COD करा के आई थी कि भैया आप अपने फ़ोन से कर दोगे, कि नहीं COD तो मेरे से भी नहीं ले रहा। मैं कहा ठीक है तो आप पेटीएम कर दो, मैं आपको कैश दे रही हूँ। फिर उन्होंने मेरी पाव भाजी ऑर्डर करी थी एंड हाँ बस यही सब था गाइस मेरे आज के व्लॉग में। तो एंड अब अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मैं ट्राई करूँगी, बस मैं एक बार जल्दी से ठीक हो जाऊँ। आज तो सैटरडे है तो मुझे मंडे से कॉलेज भी जाना है, तो मैं आपको अपना कॉलेज रूटीन भी दिखाऊँगी। पता है गाइस मैं घर से सुबह 7 बजे निकलती हूँ और मैं रात को घर पर 7 बजे घुसती हूँ, थक जाती हूँ। पता है मेरा दूर है ना कॉलेज, तो आने जाने में ही पूरा वो हो जाता है। मेरा कॉलेज पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, तो इसलिए मतलब परी चौक के भी आगे, परी चौक से आधे घंटा आगे, इसलिए मेरे को दूर हो जाता है। आपने सुना होगा वो दनकौर, वहाँ पे है मेरा कॉलेज, बहुत दूर पड़ जाता है मेरे को। तो इसलिए गाइस मेरा पूरा 12 घंटे तो मुझे ऐसे ही लग जाते हैं। ओके गाइस आप मेरे को सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। बहुत लोग ऐसे हैं बिना सब्सक्राइब करे देख लेते हैं, मत क्या करो यार, एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो बस सब्सक्राइब कर देना, मेरे को सपोर्ट करना, मेरे को बहुत सारा वाला प्यार देना। लव यू गाइस, बाय बाय।